हेलो फ्रेंड, डाटा सन्नू के एक नए एपिसोड में मैं मन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ तीन न्यूज। मैं चाहता तो तीन न्यूज के तीन वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ तीन न्यूज आपको बराबर मिले और बहुत ही छोटे छोटे न्यूज हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ आपको बेकार से तीन वीडियो दूँ, इसलिए एक ही वीडियो में सारा कवर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं डेली टेक वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए आपको अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और बिना टाइम वेस्ट किए तीन न्यूज को शुरू किया जाए। पहली खबर निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से, आप भी बहुत खुश होंगे। ये न्यूज़ सुन के जो मिडिल फिंगर इमोजी था व्हाट्सएप में, उसको लीगल नोटिस मिला कि 15 डेज के अंदर अंदर ये जो मिडिल फिंगर का इमोजी है व्हाट्सएप में हट जाए। ये एक अच्छा बात है, क्योंकि जो मिडिल फिंगर है बहुत ही बुरी सिंबल को अट्रैक्ट करता है, तो मैं मानता हूँ ये एक अच्छा न्यूज है। व्हाट्सएप को 15 दिन के अंदर टाइम मिला है और मिडिल फिंगर इमोजी को पूरी तरह से उसके प्लेटफॉर्म में हटाने के लिए। आज जो दूसरी खबर निकल के आ रहे हैं फेसबुक पर, फेसबुक में 241 मिलियन के आसपास इंडिया में यूजर हैं वो ज़्यादातर लड़कियों या लड़के ज़्यादातर अकाउंट फेक ही होते हैं, तो इसलिए जो तरह तरह के नाम दे देते हैं, इसलिए फेसबुक ने रोल आउट किया है कि आपको आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम को आपको फेसबुक में यूज करना पड़ेगा। मुझे लगता है आगे आगे जो ज़्यादातर जो फेक अकाउंट होते हैं अपने नाम से नहीं खोलते, वो ज़्यादातर अकाउंट बंद होने वाला है। इसलिए अगर आपने पास अगर अलग नाम से अकाउंट खोले हैं, तो मैं मानता हूँ अगर जो भी अकाउंट आपका आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम आपको फेसबुक के दे, क्योंकि आपको ढूंढने में फेसबुक को आसानी हो। इसलिए फेसबुक भी मैंडेटरी, अभी तक तो ये मैंडेटरी नहीं है न्यू यूजर के लिए, लेकिन आगे से मैंडेटरी फीचर ये हो सकता है। तो ये मेरे तरफ से एक अच्छा फीचर है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना। ये था दूसरा न्यूज। अगर आपने अभी तक आपका फेसबुक अकाउंट दूसरे नाम से चला रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना नाम चेंज करके आधार कार्ड में जो नाम है वही वाला एक फेसबुक अकाउंट खोल दीजिए। तो ये है दूसरा न्यूज। आज का तो तीसरी खबर निकल के आ रहे हैं BSNL की तरफ से। BSNL भी जियो फोन की तरह ये अपना फ़ोन लॉन्च कर दिया, लेकिन ये स्मार्टफोन नहीं है, सिर्फ एक फीचर फ़ोन है। ये इसका प्राइस है आपको तकरीबन 500 रुपये भी आप इसको मान सकते हैं। इसमें आपको स्क्रीन मिलता है 1.44 इंच का स्क्रीन मिलता है। इसमें आपको जो डिस्प्ले है ये मोनोक्रोम डिस्प्ले है। जो इसका फ़ोन का जो इसका बैटरी है 650 mAh का बैटरी मिलता है, जो मुझे हिसाब से 650 mAh का बैटरी एक फीचर फ़ोन के लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, ज़्यादा कॉलिंग करते हैं, तो 650 mAh का बैटरी थोड़ा आपको कम पड़ सकता है। इसमें आपको फोन बुक, FM रेडियो, स्पीकर, वाइब्रेशन मोड और टॉर्च लाइट और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं मिलता है। ये सिंगल सिम का फ़ोन है, मतलब आप BSNL का सिम ही इसमें यूज कर सकते हैं और दूसरा कोई सिम यूज नहीं कर सकते। मुझे लगता है 500 रुपये के प्राइस के हिसाब से अच्छा फ़ोन है। जो ज़्यादातर चाइनीज मार्केट में मैं देखता हूँ, चाइनीज वेबसाइट में 500 से 600 रुपये में एक सिंपल सा बात फोन चला आता है, MP3 प्लेयर, MP4 प्लेयर, छोटा सा कैमरा भी होता है 0.3 मेगापिक्सल का चला आता है। लेकिन मैं मानता हूँ जो डिटेल का D1 स्पेसिफिकेशन है उसका मुझे लगता है 500 रुपये के हिसाब से ठीक ठाक है। सिंगल सिम है, 650 mAh का बैटरी। मेरे हिसाब से अगर आप 500 रुपये का फ़ोन खरीदना चाहते हैं, सेकेंडरी फ़ोन यूज करना चाहते हैं सिर्फ कॉलिंग के लिए, तो BSNL का ये जो डिटेल D1 का फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बताया आपको तीन न्यूज। पहला न्यूज था आपको व्हाट्सएप को लीगल नोटिस मिला 15 डेज के अंदर अपना इमोजी हटाने के लिए, और दूसरा न्यूज था फेसबुक को अभी तक तो मैंडेटरी नहीं है आधार कार्ड के साथ लिंक कराना, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। इसलिए फेसबुक ने भी रोल आउट किया अपना न्यू यूजर को आधार कार्ड के साथ सेम दे, क्योंकि उनको ढूंढने में अच्छा। और तीसरा न्यूज़ था डेटल का D1 जो BSNL की तरफ से 499 रुपीज़ का फ़ोन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपको तीन न्यूज़ में से आपको कौन सा न्यूज़ अच्छा लगा, कौन सा न्यूज़ बुरा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक। अगर आप 100 लाइक हो जाते हैं तो मैं सोचूंगा मैं आगे से कुछ अच्छा कर सकता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।